Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. First of all, a very happy new year to all of you once again. I hope aap sab log apne ghar ke andar hi honge, kam se kam bahar nikal rahe honge, because the COVID cases are rising too much, and aap apne aur apne parivar ka acche se dhyan rakhne honge. Ab students, aaj main ek bahut hi important charcha, bahut hi ek important discussion karne aaya hoon aapke saath. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर एग्ज़ाम्स हो गए हैं और दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम एज वेल एज जून 2022 का एग्ज़ाम मर्ज हो जाए? जी हाँ, लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि दिसंबर 2020 और जून 2021 के एग्ज़ाम मर्ज हो गए थे. तो सबसे पहला तो एक स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है. सेकेंड स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि सर लास्ट ईयर क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एज में रिलैक्सेशन दे दी गई थी, एज एक साल से बढ़ा दी गई थी, तो क्या ये रिलैक्सेशन दोबारा इस बार भी दी जाएगी? तो इन दोनों टॉपिक्स में मैं बात करने वाला हूं. बट उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा. स्टूडेंट्स, किसी को नहीं पता है, कोई भी नहीं बता सकता है कि कोविड केसेस कहां जाएंगे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग टू लैंड अप. तो मेरा सजेशन आप सबसे यही रहेगा कि ये सब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है. हमारे कंट्रोल में क्या है? पढ़ाई करना और मेहनत करना, जो कि हम कर सकते हैं और अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आपके हाथ में इस समय बहुत ज़्यादा टाइम है. वी आर ओनली इन द मंथ ऑफ जनवरी, हमने इनफ ऑफ टाइम ले लिया एग्जाम्स के पास, ब्रेक भी ले लिया, क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर लिया, न्यू ईयर भी मना लिया. नाउ इट्स द टाइम टू गेट बैक टू योर प्रिपरेशन. दोबारा से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बिकॉज हर साल मैं यही देखता हूँ कि स्टूडेंट्स इंतजार करते रहते हैं नोटिफिकेशन का, या फिर ये सोचते रहते हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, पता नहीं कब एग्जाम होगा, एंड उनका सारा का सारा टाइम निकल जाता है. सो प्लीज डू नॉट मेक दैट मिस्टेक. ये सारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे कंट्रोल में है कि हम पढ़ाई कर सकें. तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एंड कीप प्रिपेयरिंग. अब मैं अपने दोनों क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं. तो सबसे पहला तो ये है कि मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी. आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ फैकल्टीज ऑल्सो, मैंने और फैकल्टी से भी बात करी है, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से दिसंबर 2020 और जून 2021 एग्जाम को मर्ज कर दिया गया था, सिमिलरली देयर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि दिसंबर 2021 और जून 2022 के एग्जाम को भी मर्ज कर दिया जाए. ठीक है, आप प्लीज ये मत पूछिएगा कि सर दोबारा से एग्जाम डिफिकल्ट आएगा क्या, या हम किस तरीके से तैयारी करेंगे. देखिए 6% पासिंग रिजल्ट है, बट उसमें से आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, और अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, कितना डिफिकल्ट आ रहा है पेपर. ऑफ कोर्स पेपर का लेवल डिफिकल्ट आएगा, हम सब ने देखा है अभी जो रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम्स हुए हैं. बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो ये एग्जाम तो हमारे लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए ना कि पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, सो हमें और ज्यादा मेहनत करनी है, हमें और ज्यादा हार्डवर्क करना है. तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर पाएंगे. अब मैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि सर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज का है उसे रिलैक्स किया जाएगा? मुझे बिल्कुल लगता है कि दोबारा इसको रिलैक्स किया जाएगा. देयर इज वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर ये रिलैक्स नहीं करेंगे तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो शायद दिसंबर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होने वाले थे वो इनएलिजिबल हो जाएंगे. तो क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर भी ये अलाउ किया था, तो मुझे लगता है कि वो इस बार भी जरूर अलाउ करेंगे. तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या फिर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपसे बात करना चाहता था. अब अगर आपको लगता है कि आपको मेरे सेशन पसंद आते हैं, जो भी मैंने लाइव सेशंस लिए हैं, जो भी आपको पढ़ाया है, अगर वो हेल्पफुल लगता है, तो हमने ऑलरेडी जून 2022 के लिए अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, चाहे वो पेपर वन के लिए हो, पेपर टू कॉमर्स के लिए हो, या फिर मैनेजमेंट के लिए हो. तो आप हमारी वेबसाइट anujjindal.in पे जाके कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें 9999466225 पे भी कॉल या मैसेज करके हमसे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं. ठीक है, साथ में बस खत्म करने से पहले मैं आपसे लास्ट बात यही बोलना चाहूंगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से. ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिली है, थोड़ा सा पुश मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर एंड गुड बाय.